नमस्कार। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची अर्थात JCERT ने वर्ग 8 के लिए जो वार्षिक परीक्षा होगी उसके लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी कर दिया गया है। और अभी मेरे सामने ये गणित का मॉडल प्रश्न पत्र है और इसके लिए दिया गया है 1 घंटा समय और पूर्णांक है 50। कुल 50 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्नों का उत्तर अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं और उनमें से सही विकल्प का चयन करना है। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। तो आइए इन प्रश्नों को हल करते हैं। जो पहला प्रश्न है, 5 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि गुणात्मक प्रतिलोम अर्थात व्युत्क्रम क्या होता है। गुणात्मक प्रतिलोम किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम वह संख्या होती है जिस संख्या से उस संख्या को गुणा करें तो गुणनफल 1 आना चाहिए। अर्थात ये दी हुई संख्या हमारी 5 है, तो इसको हम किस संख्या से गुणा करें कि हमारा गुणनफल 1 आए। तो चलिए यहां पर हम x मान लेते हैं। तो अब इसे हम हल करेंगे तो हमारा x का मान क्या होगा, 1, और ये गुणा में 5 है ना, तो ये यहां पर भाग में आ जाएगा। तो गुणात्मक प्रतिलोम कितना आया, 1/5। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए, मैं इस वीडियो में आपको प्रश्नों का सिर्फ उत्तर नहीं बता रहा हूं बल्कि उसे बिल्कुल एक्सप्लेन करके बता रहा हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं। 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होंगी? तो अगर हम देखते हैं प्राकृत संख्याओं में, संख्या पद्धति में हम आते हैं थोड़ा सा संक्षेप में। अगर हम प्राकृत संख्या की बात करें तो यह शुरू होता है 1, 2, 3, 4, 5, है ना, एंड सो ऑन। तो अगर हम दो प्राकृत संख्या देख रहे हैं तो इनके बीच की संख्या क्या हो सकती है? 1 और 2 के बीच 0 है, कोई संख्या नहीं है। इसी तरह से अगर हम पूर्ण संख्या की बात करें, पूर्ण संख्या तो ये होता है 0, 1, 2, 3, 4, डॉट डॉट डॉट। तो यहां भी 2 संख्याओं के बीच कोई संख्या नहीं है ना। अगर हम 3 और 4 के बीच देखते हैं तो कोई भी पूर्ण संख्या नहीं है। अब देखते हैं पूर्णांक। तो पूर्णांक ऐसा होता है डॉट डॉट डॉट, -2, -1, 0, 1, 2, 3, डॉट डॉट डॉट। तो यहां भी अगर हम 2 पूर्णांकों के बीच देखते हैं तो कितने पूर्णांक हैं, तो यहां 0 है। लेकिन जब परिमेय संख्या की हम बात करते हैं तो वैसी स्थिति में अब अगर आप देखते हैं ऐसे, ये हम 0 लेते हैं, चलिए 1, 2, 3, डॉट डॉट। तो 2 और 3 के बीच अगर हम परिमेय संख्या निकाले तो देखिए क्या क्या हो सकता है। 2+3/2, देखिए तो ये हो जाएगा 5/2। तो ये 2 पूर्णांक 1/2, तो ये इसके बीच में ये होगा, है ना। फिर इस 5/2 और 3 के बीच देखते हैं तो फिर हम ऐसा करेंगे, 5/2 जोड़ 3, तो ये हो जा रहा है 2, और ये ऊपर में 5 और 3 2 6, 11/2। तो ये भी 2 और 3 के बीच में है। इस तरह से हम निकालते जाएंगे तो ये अनंत संख्याएं होंगी। तो हमारा यहां पर आंसर क्या है, अनंत।
दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत संख्याएं, अनंत परिमेय संख्याएं होंगी, ठीक है ना। अब देखिए प्रश्न संख्या तीन है, यह भी गुणात्मक प्रतिलोम पर ही आधारित है। एक प्राप्त करने के लिए 9/23 को किससे गुना करना होगा? तो 9/23 को हम मान लेते हैं, हम x से गुना करते हैं तो हमारा आंसर एक आता है। तो x बराबर क्या होगा? 1 गुना 23/9। ये यहां अंश में 9 है और हर में 23 है, जब इसको बराबर की इस साइड लाते हैं दाहिनी ओर तो ये उलट जाएगा, जो हर है वो अंश बन जाएगा, जो अंश है वो हर बन जाएगा। तो ये हो गया 23/9। तो ये हमारा सी नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी ठीक उसी टाइप का है, 3/5 का व्युत्क्रम होगा। तो व्युत्क्रम गुणात्मक प्रतिलोम का ही दूसरा शब्द है। तो व्युत्क्रम का अर्थ यह हो जा रहा है, गुणात्मक प्रतिलोम तो अभी हमने देखा था, गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता था कि अंश हर हो जाता था, हर अंश हो जाता था। तो 3/5 है तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 5/3। अब देखिए प्रश्न संख्या 5, 2/3 का समतुल्य परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि समतुल्य परिमेय संख्या किसे कहते हैं। ऐसी संख्याएं, समतुल्य परिमेय संख्या किसी संख्या की समतुल्य परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती है जिनका जिनका मान उस संख्या के बराबर ही होता है, ठीक है ना। तो अब हम कैसे निकालते हैं समतुल्य परिमेय संख्या? 2/3 है तो इसको अगर हम अंश में और हर में दोनों में 2 से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 4/6, है ना। अगर हम इसी तरह से 2/3 को अगर हम गुना करें 3/3 से तो ये हो जाएगा 6/9। ये सारी समतुल्य परिमेय संख्याएं हैं किसकी? 2/3 की। इस तरह से हम निकालते हैं तो यहां हम देख रहे हैं कि ये 4/6 जो है ये 2/3 का समतुल्य परिमेय है। प्रश्न संख्या 6, 4.5 का वर्ग होगा, तो इसका हमें वर्ग करना है 4.5 का। तो 4.5 का वर्ग अर्थात 4.5 × 4.5। तो आप ये दशमलव को आप छोड़ दीजिए, है ना। आप ये अगर हम दशमलव को यहां पर भूल जाएं तो ये 45 है और ये 45 है, तो 45 को 45 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाता है? ये 2025, है ना, यानी 2025 होता है। अब हम विचार करेंगे दशमलव पर, तो यहां दशमलव के बाद एक अंक है, यहां भी दशमलव के बाद एक अंक है, तो अब हम क्या करेंगे? एक और एक 2 हो गया, तो हम दाहिनी ओर से 2 अंक गिनकर दशमलव बैठाते हैं। तो ये हो गया 20.25। तो 4.5 का वर्ग हमारा आता है 20.25। तो ये ए नंबर जो ऑप्शन है वो सही है। अब प्रश्न संख्या 7, ये है स्क्वायर रूट ऑफ -225, है ना, -225, इनमें से किसके बराबर नहीं है? तो आइए इसको निकालने की कोशिश करते हैं। यहां से लिख रहे हैं माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -225, ठीक है। तो इसे हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, 1 × -225, देखिए, ठीक है। अब इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, -1 × 225। अब इसे ही हम ऐसा भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ -1 × √225, ठीक है।
अब हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन ऐसे ही छोड़ दिए, और ये सॉरी इनटू, और 225 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ये 15 आता है, ठीक है ना। तो देखिए यहां था ए नंबर में, तो ये वाला हमारा ए नंबर में आ गया, ए नंबर में जो दिया हुआ है, ठीक है ना। और उसके बाद ये वाला आ गया हमारा, ये वाला आ गया बी नंबर में दिया हुआ है, और ये वाला डी नंबर में। जो देखिए स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 225 का को हम इस तरफ भी लिखते हैं, ए की तरफ भी लिख सकते हैं, ये बी की तरफ भी लिख सकते हैं, और डी की भी तरफ भी लिख सकते हैं। तो किसके तरह नहीं लिख सकते हैं, कौन बराबर नहीं है, तो ये सी नंबर, ये इसके बराबर नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8, 27/64 का घनमूल क्या है, तो निकाल के देखते हैं 27/64, और इसका अब हम घनमूल निकालना है। तो हम जानते हैं कि ये जो भिन्न संख्याएं होती हैं या परिमेय संख्याएं होती हैं, तो उनका घनमूल क्या होगा, अंश का घनमूल और फिर हर का भी घनमूल। तो हमें पहले से याद है कि 27 का अगर घनमूल करते हैं तो ये आता है 3, और 64 का घनमूल करते हैं तो आता है 4। तो ये हमारा आंसर आ जा रहा है 3/4। तो ये ए जो ऑप्शन है वो सही है। अब प्रश्न संख्या 9, 72 को किस सबसे छोटी संख्या से गुना करें कि वह पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो इसके लिए हम 72 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम 72 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। जब भी हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या से शुरुआत करते हैं, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। तो सबसे पहले 2 से देखते हैं, 2 से भाग लग जाएगा तो यह हो जाएगा 36। अभी फिर से 2 से इसमें भाग लगेगा तो यह हो जाएगा 18। अभी फिर से 2 से लगेगा तो 2 से यहां पर 9। अब इसमें किससे लगेगा, 2 से तो नहीं लगेगा, तो अगला जो अभाज्य संख्या है 2 के बाद वह है 3। तो 3 से यहां पर 3। तो 72 का अभाज्य गुणनखंड हो चुका है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, 72 बराबर 2 × 2 × 2 × 3 × 3। अब हम देख रहे हैं कि किसका त्रिक बन रहा है, तो ये एक त्रिक बन गया, 2 × 2 × 2 यानी 3 का समूह बन गया, लेकिन इसका तो 3 का समूह नहीं बन रहा है। तो इसका 3 का समूह करने के लिए हमें किस संख्या से गुना करना पड़ेगा, इसको 3 से, अगर हम यहां पर 3 से गुना कर देंगे तो त्रिक बन जाएगा, है ना। तो हमारा आंसर, हमारा क्वेश्चन क्या था, किस सबसे छोटी संख्या से गुना करें कि वह पूर्ण घन बन जाएगा। जब ये त्रिक बन जाएगा तो ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगा, है ना। तो हमारा आंसर किस संख्या से आ रहा है गुना करना, 3 से। तो ये हमारा आंसर 9 का बी हुआ। अब प्रश्न संख्या 10 देखते हैं, तो ये है 9999 का घात 0 है का संख्यात्मक मान क्या होगा। तो हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का अगर घातांक या एक्सपोनेंट या कहे पावर अगर 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है, ठीक है ना। यहां तो एक संख्या दी हुई है, अब इसी की जगह मान लीजिए हम कुछ और संख्या ले सकते हैं 8 2 8, चलिए, और इसका घातांक 0 तो होगा 1 ही होगा, इसका भी मान कितना होगा, 1 होगा। कुछ भी हम संख्या ले ले, अगर हम 900 लेते हैं और इसका घातांक अगर 0 करते हैं तो इसका भी मान 1 होगा। तो इसे हमेशा याद रखिए कि किसी भी संख्या का घातांक अगर 0 है तो उसका मान होगा 1। और एक देखते हैं किस
ऑप्शन में है, देखिए सी ऑप्शन में ये एक है। तो इस वीडियो में हमने, ये जो पार्ट वन वीडियो था, हमने मॉडल प्रश्न पत्र के 10 प्रश्नों को बिल्कुल एक्सप्लेन करते हुए इसका हल किया है। अगली वीडियो में हम इसके बाद और 10 प्रश्नों को हल करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अवश्य सब्सक्राइब कर लें कि इस तरह के और वीडियो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।